हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में। आज देखिए मेरी प्लेट में क्या है, बहुत कुछ दिख रहा है, आप कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूज ना आइए, मेरी चुटकी पे भरोसा रखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर के समोसे बना के कैसे खाने हैं, हेल्दी वाले। बाज़ार के समोसे नहीं खाने हैं। सबसे पहले हम आलू को मिक्सर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें रखिए, इन्हीं चीज़ों से बनेगा हमारा आलू समोसे की स्टफिंग। तो सबसे पहले देखिए, हमने आलू बड़े वाले दो बॉईल किए हैं, और ये थोड़ा सा धनिया लिया है, और तीन चार आपको टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली ले लेनी है, और ये है अमचूर पाउडर। मैं ऐसे प्लेट घुमाती जाती हूँ, देखिए ये मेरा सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से, ये साबुत कोरिएंडर जो पाउडर नहीं लेना, साबुत वाला सूखा धनिया जिसको बोलते हैं, आधा एक चम्मच ये ले लीजिए। अजवाइन है, अजवाइन एकदम थोड़ा लेना है, अजवाइन एक चम्मच नहीं लेना क्योंकि इससे कड़वा हो जाता है, लेकिन हेल्दी होता है, इसके लिए थोड़ा सा डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये जीरा, और ये सौंफ, इन चीज़ों से मिलके बनेगा हमारा पटैटो मिक्सचर। बट इसको बनाना कैसे है, हमको सौंफ, जीरा और सूखा धनिया और अजवाइन को, इन चारों चीज़ों को हमने मिक्सर में वो दरदरा या तो कूट लेना या तो मिक्सर में कर लीजिए, लेकिन पाउडर नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा का होना चाहिए। फिर एक चम्मच कढ़ाई में तेल डाल के जो जीरा पाउडर सूखे धनियों को मिक्सर को तेल में डाल के नमक अजवाइन नमक ये अपना अमचूर पाउडर नमक और कसूरी मेथी सबको डाल के ग्रीन चिल्ली को बारीक बारीक काटना एकदम छोटा छोटा सबको डाल के उसमें आलू को उसमें डाल के मैश को रेडी कर लेना। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, आलू बॉयल करके आपको ठंडे फ्रिज में रखने हैं, ठंडे आलू को वो मिक्सचर में मसाले में डालना है, अच्छे से मैश करके फिर उसको डालना है अपने समोसे में। तो इन चीज़ों से बनेगा मेरा समोसे का माल मसाला, जो कि टेस्ट आएगा आपको। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको अभी आटा कैसे करना है, चलिए देखते जाइए। ऐसे छोटी सी रोटी बेल लेनी है, और मेरा सिंपल तरीका देखिए, इसको हम इसको टर्न करके इसको वी शेप कर लेंगे ऐसा, इसको अपने हाथ में ले लेंगे, देखिए थोड़ा सा प्रेस करके, और ये मस्त टेस्टी वाला मेरा जो आलू का जो समोसे का जो बनाया मैंने बीच का मसाला, ये देखिए इसको इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा साइडों में ये पानी लगा देंगे, और इसको उठा के ये इसको बंद कर देंगे, हाथ से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, और थोड़ी इसकी शेप बना देंगे ऐसे। ये घर वाले समोसे, वो थोड़ा सा निकल भी जाए बाहर तो टेंशन नहीं, ऐसे इसकी शेप देके इसको ये खड़े करके लाइन से समोसे रखते जाएंगे। ये देखिए 5 रुपए का समोसा कि 10 रुपए का समोसा, खाने के बाद इसकी वैल्यू लगेगी। ये हो गए रेडी समोसे, अब हम करते हैं इसको फ्राई। देखिए चुटकी में फटफट घर के समोसे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी देखिए मेरे समोसे, देखिए घर के हेल्दी वाले सुंदर। शेप थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन नहीं, शेप आप खुद ही देख लो कितनी प्यारी शेप लग रही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, गर्मा गर्म आपको चाय के साथ बना के खाने हैं आलू बॉयल करके। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, आलू आपको बॉयल करके फ्रिज में उसको ठंडे रख देने, ठंडे आलू को मैश करके उस जीरे वाला जो पाउडर बनाना है आपने सौंफ जीरा का तेल डाल के, वो ठंडे आलू को मैश करके हाथ से तोड़ के उसमें मिक्स करना है और उसको रख लेना है, और गर्मा गर्म चाय के साथ में लीजिए समोसे का मज़ा। आज तो यहाँ बॉम्बे में बहुत बारिश हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज घर पे बच्चों को समोसा बना के खिला दें, तो आप भी बना के खाइए घर के समोसे, बाज़ार के नहीं खाने। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।